सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिविजन बिजनेस आइडिया में। आज आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ दिखाना और बताना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, सर मैं शिव शक्ति इंटरप्राइजेस पंजाब से बठिंडा से बिलोंग करता हूँ सर। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लेके आया हूँ सर, जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पावर सेवर। ये इलेक्ट्रिसिटी पावर सेवर क्या होता है जी, अगर आपका 10,000 बिजली बिल आ रहा है ना जी, तो इसको लगाने से सिर्फ 6,000 रुपये बिजली बिल ही आएगा। अच्छा, 10,000 का 6,000 आएगा सर। आप कहोगे वो कैसे, तो सर आपने देखा होगा हम बाइक या कार चलाते हैं, अगर बार बार उसका गियर चेंज करोगे ना भीड़ में, तो देखा होगा बहुत कम एवरेज देती है। लेकिन आप बार बार अगर गियर चेंज करोगे तो देखा होगा आपका तेल ज़्यादा खपत हो जाती है। लेकिन वही हाईवे पे चलो तो देखा होगा कि बहुत बढ़िया एवरेज दे जाती है। इसने क्या करना है जी, जो पीछे से करंट आ रही है उस फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करना है। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल एक बराबर यानी एक गियर में करना है, जिसकी वजह से आपके मीटर पर लोड नहीं पड़ेगा। मीटर पर लोड नहीं पड़ेगा तो बिल कम आएगा और साथ में आपका कोई चीज खराब भी नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा एक बैग बिजली हाई आ जाती है सर तो आपका बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन इसकी वजह से आपका बिजली बिल बहुत कम आएगा सर। अब वो कैसे सर, हम कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं सर आपको। हाँ, मतलब ये के मतलब माना कैसे जाए कि ये बिजली बिल हमारा कम करेगा? सर इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं सर। अब आप ये देखो सर, ये हमारा डेमो किट है जी, इसमें दो ट्यूब रोड चल रहे हैं सर, दो ट्यूब रोड चल रहे हैं और ये बिजली खा रही है नियर अबाउट 5 पॉइंट्स के आसपास सर। बिल्कुल। लेकिन इसको लगाने के बाद देखो क्या होता है जी, चल तो अब भी दो ट्यूब रही है लेकिन कंजप्शन आधी रहेगी सर। इसी तरह अगर आपका 5 यूनिट बिजली खत्म होता है तो 3 होगा सर, 5,000 बिल आता है तो 3,000 के आसपास ही आएगा सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल है सर। अच्छा, मतलब हाँ, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल है, लीगल है, कोई भी इसको रोक टोक नहीं करेगा। आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में पावर फैक्टर यूनिट लगा होता है जी, खुद जो बिजली बोर्ड है अपने ट्रांसफार्मर में वो कैपेसिटर लगाती है, किस लिए कि बिजली कंट्रोल होके जाए। लेकिन आपने अपने घर के बचत के लिए क्या किया? कुछ नहीं। तो ये घर के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए हमारी ये चीज़ बनी है, जिनकी 45 किलोवाट से ज़्यादा कम लोड है वो इस आइटम्स को यूज़ करके अपना 40% तक बिजली बिल बचा सकते हैं सर। अभी जैसा कि देखा गया है कि हम किसान हैं, हाँ जी हाँ जी, हमारे ट्यूबवेल हैं, हाँ जी, समरसेबल हैं, हाँ जी, तो वहाँ जो है ट्यूबवेल पे कनेक्शन के साथ में कैपेसिटर परमानेंट कर दिया गया है बिजली बोर्ड की तरफ से। अगर कैपेसिटर लगा होता है तो हमारा बिल भी वहाँ से कम आता है, क्योंकि फिक्स चार्ज है वहाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अगर कैपेसिटर नहीं सर, देखो जब फिक्स चार्ज है तब तो कोई बात ही नहीं है सर। नहीं नहीं, वो फिर भी वो फिक्स चार्ज होने के बाद भी कैपेसिटर लगाते हैं। हाँ जी, और उसके बाद जो है बिजली सर, वो कैपेसिटर किस लिए लगाते हैं? ताकि बिजली बिल कम आए। लेकिन आपने घर में क्या लगाया? आपने कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं लगाया ना, तो ये घर के लिए ही है सर, आपके घर के लिए, दुकान के लिए है। आप अपने घर और दुकान में लगाओ और अपना 40% तक बिजली बिल बचा सकते हो सर। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम सर, आप देखते हो या तो बिजली नहीं आती, अगर बिजली आता है तो हम बिल से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस चीज को लगा के आप अपना 40% तक बिजली बचा सकते हो। 10,000 बिल आता है, 6,000 से ज्यादा नहीं आएगा सर। और मैंने दिखाया ही आपको, एक बार आप और दिखाएं। हाँ, ये देख ही रहे हो सर, ये आपके सामने है सर, इसमें दो ट्यूब रोड चल रही है, हमारा डेमो किट है, दो ट्यूब रोड चल रही है जी, 0.5 एम्पियर के आसपास लाइट कंज्यूम हो रही है। हाँ जी, 0.5 के आसपास लाइट कंज्यूम हो रही है जी। लेकिन इसको लगाने के बाद देखो सर क्या होता है, लगाने के बाद देखो क्या होता है सर, चल तो अब भी दो ट्यूब ही रही है लेकिन कंजप्शन कम होगी। एक्चुअली होता क्या है जी, तारों में ही ना करंट वेस्ट हो रही है जी, इस वेस्टेज को ये रोक लेता है, आगे उतनी करंट देता है जितनी हमें ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका मीटर 40% तक कम चलेगा और साथ में इससे वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होगा, जिससे आपका कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होगा। कई बार कम बढ़ती है। हाँ जी, कम ज़्यादा होता है ना, आप देखते हो फ्रिज एसी अपना उड़ जाता है, लेकिन इसको लगा लो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। करंट एक गियर में रहती है जी, ना कम होने देती है ना ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी चीज़ तो सेफ रहेगी रहेगी और 40% तक आप इससे बिजली बिल बचा सकते हो। अगर आपका 10,000 बिल आता है, 6,000 से ज़्यादा नहीं सर। ये इसकी जो लाइफ है सर, ये 20 इयर्स की लाइफ है। अच्छा, हाँ जी, इसकी 20 इयर्स की लाइफ है सर। इसकी जो लाइफ है सर, 20 इयर्स की लाइफ है। इंडिया गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल है जी, खुलेआम लगा सकते हो आप, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है सर। 20 ईयर लाइफ है, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल है, खुद गवर्नमेंट ने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया है, 40% बिजली बिल बचेगा ही बचेगा, चाहे आप एसी, फ्रिज, मोटर, हीटर, गीजर, जो कुछ मर्जी चला सकते हो सर।
सर इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 15 किलो वाट तक के लिए है, इस पर लिखा हुआ है सर 15 किलो वाट तक इस पर लोड डाल सकते हो। अगर आपका सिंगल फेज कनेक्शन है फिर तो एक पीस लगाना पड़ेगा, अगर थ्री फेज कनेक्शन है तो तीनों फेज में एक एक पीस आपको लगाना पड़ेगा सर। हाँ जो अगर 5 किलोवाट का कनेक्शन है, 5 किलोवाट से बाय द वे ज्यादा भी होता है कईयों घरों में, कईयों में 10-10 एसी भी लगे होते हैं, तो ये थ्री फेज में तीन पीस लगाना पड़ेगा, यानी हर एक का फेज तो कॉमन फेज तो अलग अलग रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको तीन प्लग ऐसे बनवाने पड़ेंगे सर, तीन प्लग बनवाना है आपने जी, और तीनों में फेज तो अलग अलग रहेगा लेकिन न्यूट्रल कॉमन हो जाता है सर सब में, और ऐसे लगा देना है। अगर आपका सिंगल फेज कनेक्शन है तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पीस लगाना है। अब आप कहोगे ये लगाना कैसे है, तो सर आप ये देख रहे हो ना, ये हमारा मीटर है सर, मीटर से तार आती है हमारी मेन स्विच में, आपने कुछ नहीं करना है जी, बाजार में इस तरह का एक प्लग लेना है आपने, और प्लग इस तरह का प्लग लेके ना बस उसमें आधा मीटर तार लेके यहीं पे अटैच कर देना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं सर आपको। आगे जो भी करंट जाएगा वो कंट्रोल होके जाएगा, जिससे आपका मीटर 40% तक कम चलेगा सर, 10,000 बिल आते हैं, 6,000 से ज्यादा नहीं आएगा। अब सर अगर हम बात करें इसकी कीमत की, तो सर, आपने इसकी कीमत क्या रखी हुई है? इसकी कीमत तो सर वैसे काफी ज्यादा है, 1990 रुपए MRP है, लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ ये आपको 750 रुपये का मिलेगा सर, आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो सर, ऑनलाइन फोन करो, हमारा नंबर है 9317070476, फ़ोन कर सकते हो आप, व्हाट्सअप कर सकते हो, जहाँ से भी हो हम आपको सारी डिटेल भेजेंगे, कोई भी आपको चीज़ ना समझ में आए दोबारा हमसे फ़ोन करके पूछ भी सकते हो, व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो सर। अभी जैसे और घर बैठे मंगा सकते हो। आपने इसकी जो कीमत बताई है, क्या उसमें जो डिलीवरी चार्ज है वो भी इंक्लूड है या वो अलग सर? नहीं, वो अलग से देना पड़ेगा। अब सपोज करो आप फॉरेन कंट्री से हो, वहाँ पे एक पीस भेजने की 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो जितने का पीस नहीं उतना तो हम डिलीवरी चार्ज खर्चा नहीं कर सकते ना सर। हाँ अगर आप हम पंजाब से हैं, अगर आप पंजाब में हो तो 50 रुपीज़ है, ऑल इंडिया कहीं से भी हो तो 100 रुपीज़ कोरियर चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सर। तो क्या ये जो पेमेंट है ये आपको सर आप ये पहले भी कर सकते हो, अगर आप चाहो COD करवाना है तो COD भी करवा सकते हो सर, घर बैठे आप कोरियर वाले को पैसे दे के भी रिसीव कर सकते हो सर। तो सर आपने हमारे जो दर्शक हैं और मेरे जो किसान भाई हैं उनके लिए इतनी अच्छी चीज़ लाए, और ये फायदे की चीज़ है सर, बहुत फायदे की चीज़ है सर, आपने देखा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर।